ये वाला रोड गया सीधा नर्रा गांधी घाट। वो देखिए कुछ यात्रियों से ऐसी होती है। ये जो आप देख रहे हो ये नर्रा का दीनदयाल चौक है और पीछे आपको एक स्टैचू दिखाई दे रही होगी। जैसे कि आप इस तरीके से हम खड़े होंगे तो सामने सीधे ही ये वाला जो रोड गया है ये सीधा राजघाट कड़वास के लिए गया है। और ये वाला जो रोड देख रहे हो आप तो ये सीधा दिल्ली से आया है और सीधे यहाँ से होते हुए बेलोन को गया है। और इधर जैसे स्टैचू इधर से हम देखेंगे तो पीछे वाला रोड है जो अलीगढ़ वाला है और हमको चलना है नर्रा के गांधी घाट पर। तो ये वाला रोड गया सीधा नर्रा गांधी घाट की तरफ गया तो हमको चलना है नर्रा गांधी घाट पर। और यहीं से आपको नर्रा गांधी घाट पर जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा ई रिक्शा बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो कि यहाँ से आपको 10 रुपये लेकर नर्रा के गांधी घाट पर छोड़ देगा। नर्रा से अगर हम चलेंगे तो थोड़ी 100 या 150 मीटर दूरी पर ये दो नहर पड़ती हैं, एक छोटी नहर और एक बड़ी नहर जो हजारा नहर। तो ये आप देख रहे हो ये वाली जो है हजारा नहर है और काफ़ी बड़ी नहर मानी जाती है। फिलहाल में इसमें जल जो है काफ़ी कम चल रहा है और बराबर में ये वाली नहर है ये सूखी नहर है, बिल्कुल सूख गई है। ये जब ही चलती है जब बाढ़ का समय होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा नर्रा गांधी घाट के पास ही आ चुके हैं हम। और सामने ये बड़ा सा आपको एक टावर दिखाई देगा और जितने बड़ी ई रिक्शा देख रहे हो आप ये सीधे आपको हम चौराहे से लेके यहाँ पर गांधी घाट की तरफ छोड़ देंगे। तो ये देखिए सामने है नर्रा का डैम। मैं जो आया था इधर से आया था और ये देखिए पूरा ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आप 4 बजे गाड़ी वगैरह ला कर यहाँ पर पार्क में लगा सकते हो। और सामने ही है नर्रा गांधी घाट। तो चलते हैं घाट पर और दर्शन कराते हैं आपको गांधी घाट के। आप देख रहे हो ये नर्रा गांधी घाट है और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा यात्री यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं और काफ़ी सुंदर घाट है। तो ये देखिए पूरा नर्रा का गांधी घाट। और यहाँ पर हम देखेंगे तो काफ़ी यात्री स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जल देखिए भाई बिल्कुल साफ हो चुका है दूध की तरह। जो मटमैला जला रहा था वो भी काफ़ी साफ हो चुका है। और वो परसों मैंने जो वीडियो डाली थी तो जल काफ़ी बढ़ चुका था। और देखिए वो ये है स्लिप, इसके ऊपर काफ़ी ऊपर तक जल चल रहा था लेकिन जल आज देखेंगे हम तो थोड़ा कम हो गया है। तो दोस्तों पहले से काफ़ी जल कम हो चुका है और उस दिन जो मैं आया था काफ़ी जल बढ़ा हुआ था। और ये स्लिप आप पीछे देख रहे थे ये काफ़ी जल के अंदर था और आप दिखाई देने लगा है। तो आप सामने वाला देख रहे हैं वो महिला घाट है और ये जितने पर घाट बने हुए हैं तो ये सब पुरुष घाट है, जेंट्स घाट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। और काफ़ी बीच में ये घाट बना हुआ, काफ़ी बड़ा घाट है। तो यहाँ पर डेली के 1000 से 500 श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन जब मेला दशहरा या स्नान पर्व होता है उस दिन ज़्यादा यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पैर रखने के लिए जगह तक नहीं रहती। तो अगर आप यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं नर्रा गांधी घाट पर पहुँच रहे हैं तो आप नाव में भी घूम सकते हैं जो कि आप 50 रुपये पर व्यक्ति देकर पूरे गंगा में आपको राउंड ट्रिप कराएंगे। और फिलहाल में देख रहे हो मैं बोट के ऊपर ही हूँ तो फिलहाल में अभी रुकी हुई है। जैसे ज़्यादा यात्री होते हैं यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बैठा कर नाव में पूरी गंगा में घुमाते हैं। लेकिन इस वाले घाट पर अगर हम देखेंगे तो इस वाले घाट पर ज़्यादा यात्री स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए कुछ यात्री कुछ ऐसी होती हैं ज़्यादा उसमें मन जाते हैं गंगा जी में। और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे ज़्यादा गहरा जल है। तो आप सेफ्टी से स्नान करें और ऐसी गलती ना करें, यहाँ आकर आराम से सीढ़ियों पर बैठकर स्नान करें क्योंकि आगे ज़्यादा गहरा जल है तो दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी
इंजॉय कर रहे हैं माँ गंगे में स्नान करते समय। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे सिर्फ यही बोलता हूँ, अगर आप यहाँ पर गंगा स्नान करने आ रहे हैं नरोरा के गांधी घाट पर, तो आप ज़्यादा अंदर ना जाएं और सीढ़ियों पर बैठकर ही स्नान करें, क्योंकि आगे ज़्यादा गहरा जल है। अच्छे से बैठकर स्नान करें, उधमबाजी ना करें बिल्कुल भी। तो कुछ यात्री यहाँ पर आप देख रहे थे वीडियो में, इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को अंदर खींच के ले जा रहे थे, तो ऐसा ना करें, दुर्घटना हो सकती है। और यही जो रास्ता आप देख रहे हो, ये शमशान घाट की तरफ से इधर को आया है, पक्के घाट की तरफ, तो इधर से भी हम आ सकते हैं। और यहाँ देखेंगे हम, तो देखिए बरसात वगैरह खेल खिलौने की दुकानें भी बहुत ज़्यादा लगी हुई नज़र आ रही हैं, और काफ़ी बड़ा घाट है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद वगैरह की दुकानें भी आप देख सकते हैं। और स्नान कर प्रसाद लेकर यहाँ से गंगा मैया में चढ़ा सकते हैं। तो इधर कच्चा घाट है, आप सामने देख रहे हो, आगे जाकर रेत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पक्के में स्नान करना पसंद नहीं करते, रेत में स्नान करना पसंद करते हैं, तो आप आगे जाकर स्नान अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फ़र्ज है, अगर हम यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं किसी भी घाट पर, इस घाट की बात नहीं है, आप हरिद्वार या कहीं भी किसी भी घाट पर आ रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है गंगे मैया का साफ़ सफाई रखने का विशेष ध्यान रखें। और कुछ यात्री क्या होते हैं, आते हैं और कपड़े वगैरह स्नान करके कच्चे वगैरह यहीं डाल जाते हैं, तो गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा ना करें, ये हमारा फ़र्ज बनता है और गंगे मैया की रक्षा करना। तो इधर कच्चा घाट है जैसा कि आप सामने देख रहे हो, कुछ यात्री यहाँ पर रेत में स्नान कर रहे हैं। तो जैसे आप आ रहे हो यहाँ पर, तो रेत में स्नान करना पसंद है आपको तो यहाँ पर आ सकते हैं, बाकी ना आप पक्के घाट पर वहाँ पर स्नान कर सकते हैं अच्छे से। और देखिए यहाँ पर थोड़ी आगे भी अच्छे से स्नान कर सकते हैं, ज़्यादा गहरा जल भी नहीं है और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो गहरा जल है। और देखिए इस तरीके से है इधर कच्चे साइड में, तो इधर भी काफ़ी भीड़ भाड़ है और दुकानें भी लगी हुई हैं। तो तकत वगैरह आप देख रहे हो, तो यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह करने के लिए इन लोगों ने तकत डाल दी है। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे।